ओके स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मोशन और रेस्ट के बारे में। देन स्टडी किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्टेंस में आपको गिवन था बच्चों ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है उसकी? ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी होती है बच्चों स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होती है बच्चों मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी होती है आपके पास में, उसमें दोनों चीजें होती है गिवन होती है। इट टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी गिवन होगी आपके साथ में और साथ में क्या होगी बच्चों डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? क्योंकि आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी थी और साथ में क्या थी बच्चों डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एग्जांपल बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? ऐसा यूनिट क्या थी डिस्टेंस की? 5 मीटर। फॉर एग्जांपल 5 मीटर, और उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती थी क्योंकि पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, वो क्या था बच्चों फ्री था। तो 5 मीटर नॉट डायरेक्शन, सिर्फ क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। तो इसका एग्जांपल है बच्चों डिस्टेंस। तो उसमें लास्ट लेक्चर में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो भी पॉइंट डिफरेंस देखे थे उसमें ऐड कर सकते हो। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, किसको यूनिफॉर्म बोलेंगे बच्चों और किसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बच्चों एक पार्टिकल है या एक वॉइस है बच्चों, ये ट्रैक पे चलने लग रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों 1 मिनट के अंदर, मान लेते हैं टाइम 1 मिनट था, और उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस को एक्स वन से रिप्रेजेंट करने लग रहा हूं बच्चों, मान लेते हैं 2 मीटर। और नेक्स्ट डिस्टेंस उसने 1 मिनट के अंदर ट्रैवल किया, तब भी डिस्टेंस कितना x2 ट्रैवल किया बच्चों 1 मीटर, 2 मीटर, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट 1 मिनट में फिर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बच्चों 2 मिनट। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। जब पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें, नेक्स्ट इंटरवल में टाइम भी क्या है बच्चों 1 मिनट,
और डिस्टेंस भी कितना है इक्वल 2 मीटर, तो पार्टिकल मैच टाइम भी 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुए 2 मीटर। तो ये रिपीटेशन क्या करता रहे बच्चों, रिपीट होता रहे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो इसको डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ए पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो जो आपने यहां पे अंडरस्टैंड किया वही एग्जांपल को क्या किया है, उसको डेफिनेशन को डिफाइन किया है। व्हेन ए पार्टिकल, ये पार्टिकल है ट्रेवल चलता है बच्चों लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। डिस्टेंस ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हर टाइम में अपने आप को क्या करने लग रहा है बच्चों, रिपीट। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो सिमिलरली अब किसको समझेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेम पार्टिकल था बच्चों, ये मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम लगा बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रीच करने में टाइम लगा 1 मिनट। अगले नेक्स्ट इंटरवल में टाइम सेम था बच्चों, टाइम था आपके पास 1 मिनट, लेकिन यहां पे डिस्टेंस चला बच्चों, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस लगा उसने x1, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लेते हैं 5 मीटर। तो उसको b से c पॉइंट में उसी टाइम में पहुंचने में कितना टाइम लगा मान लेते हैं, डिस्टेंस ये ज्यादा लग रहा है बच्चों आपने, तो मान लेते हैं 7 मीटर। तो यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करें तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो इसको इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ए पार्टिकल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है, रिवर्स में मान लेते हैं सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल करें या सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करें, वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है इसका, रिवर्स। तो यहाँ पे आपने इक्वल डिस्टेंस माना था, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस मान लेते अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते, तो वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जस्ट इसका उल्टा। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। Speed and velocity. Speed
स्पीड का एग्जांपल जैसे आप डेली लाइफ में सुनते हो बच्चों, किसी बाइक की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ये किसका एग्जांपल है बच्चों, स्पीड का। और आपने सुना होगा बच्चों, अगर एक बाइक है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ नो डायरेक्शन में जाने लग रही है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, आपकी वेलोसिटी। तो फॉर एग्जांपल हमें पहले पता होना चाहिए बच्चों किसके बारे में बात करते रह रहे हैं, स्पीड के बारे में। स्पीड है तो स्पीड का एग्जांपल है 5 मीटर पर सेकंड, और इसका एग्जांपल है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पे मैग्नीट्यूड होगी बच्चों, यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होगी, तो मैग्नीट्यूड होगी तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर स्पीड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे बच्चों, डिफाइन करेंगे स्पीड को, क्योंकि आपने डिस्टेंस बढ़ चुके हो बच्चों और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ चुके हैं। तो ये क्या होती है बच्चों, इट इज रेट ऑफ चेंज, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। ये क्या है बच्चों, रेट, रेट का मीनिंग क्या है, किसी क्वांटिटी का टाइम के साथ बदलना, किसी क्वांटिटी का टाइम के साथ चेंज होना, वही क्या कहलाता है बच्चों, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो सिमिलरली किसको डिफाइन करेंगे बच्चों, वेलोसिटी। तो आपने पता है बच्चों डिस्टेंस क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्पीड भी क्या है बच्चों, स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। तो यहां पे वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी थी बच्चों, वेक्टर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की जगह क्या चेंज कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेलोसिटी। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है बच्चों मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। स्पीड का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या क्वांटिटी आती है बच्चों, आपकी स्पीड। तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, स्केलर ही आता है। तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, आपकी स्केलर। तो सिमिलरली किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, मैथमेटिकली फॉर्म फॉर्म ऑफ वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, यह रेशो होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आपका वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस एंड
डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, टाइम कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर। जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर नेक्स्ट डिफरेंसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों आपका फोर्थ पॉइंट, स्पीड और वेलोसिटी में। तो जैसे आपने डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट पढ़ी थी, तो ऐसे ही किसकी यूनिट पढ़ेंगे बच्चों हम, स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्पीड की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट। तो जैसे रेशियो था बच्चों, ये किसका था बच्चों, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में, मीटर से, और टाइम को किस में मेजर करते हैं बच्चों, सेकंड में। तो इसका क्या आ गया बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। M stands for meter, S stands for second. Distance को हम हमेशा किसमें measure करते हैं बच्चों, SI system में, meter में, और time को किसमें measure करते हैं बच्चों, second में। Small s से represent करते हैं, small m यहाँ पे क्या stand करने लग रहा है बच्चों, meter, और S stands क्या करने लग रहा है बच्चों आपका, second। Time को हम second में भी measure करते हैं, तो ये कौन सी यूनिट है बच्चों आपकी, एसआई यूनिट। तो सिमिलरली सीजीएस यूनिट किसकी बच्चों, स्पीड की, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड। तो डिस्टेंस सीजीएस में किस में मेजर करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर में। डिस्टेंस किस गए, सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, और टाइम किस में मेजर करते हैं बच्चों, सेकंड में। तो ये आगे बच्चों इसकी यूनिट, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई, एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी आपने पढ़ा है बच्चों, अभी पढ़ा है। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है बच्चों आपकी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार से क्या बच्चों, लेंथ है। तो किसमें मेजर करते थे एसआई सिस्टम में, मीटर से, एम। टाइम को किसमें मेजर करते थे, सेकंड में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती, तो साथ में क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, डायरेक्शन। तो ये क्या है बच्चों इसकी, एसआई यूनिट किसकी बच्चों, ये वेलोसिटी की। तो सिमिलरली क्या, सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सीजीएस सिस्टम में लेंथ किसमें मेजर करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम किसमें मेजर करते हैं बच्चों, सेकंड। तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो किसमें यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, सीजीएस सिस्टम में। सेंटीमीटर टाइम को किसमें मेजर करते हैं बच्चों, टाइम लास्ट में, एस स्टैंड्स फॉर टाइम इन सेकंड। तो टाइम किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। जब सेंटीमीटर को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलती है बच्चों, स्पीड, और साथ में इसके साथ अगर हम मेंशन क्या कर दें बच्चों, डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी बच्चों आपकी, वेलोसिटी। तो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों,
इसकी रेंज, स्पीड एंड वेलोसिटी की रेंज क्या है, मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, स्पीड एंड वेलोसिटी। रेंज का मीनिंग क्या है बच्चों, कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी मैग्नीट्यूड। फिफ्थ पॉइंट, रेंज ऑफ स्पीड। रेंज क्या है बच्चों इसकी, मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम कितनी हो सकती है बच्चों, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो था, स्पीड किसका रेशियो है बच्चों, ये अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपको, स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है बच्चों आपका, जीरो, जीरो टू, और मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है बच्चों, प्लस इंफिनिटी, ये रिप्रेजेंट है बच्चों इंफिनिटी का। तो इसकी रेंज क्या आ गई बच्चों, जीरो टू प्लस इंफिनिटी, तो ये किसकी रेंज है बच्चों, स्पीड की, स्पीड रेंज, रेंज कहां से, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, कहां तक वैरी कर सकती है रेंज। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी बच्चों, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, जीरो। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे, स्टैंड रहे, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस, अगर वो ट्रेवल ही नहीं करेगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, जीरो। जीरो को टाइम से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा बच्चों, जीरो डिवाइडेड बाई टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। मिनिमम पॉसिबल है बच्चों जीरो, अदरवाइज ये क्या होगी बच्चों, इंक्रीज करेगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट, रेंज ऑफ वेलोसिटी। कल बताया था बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, डिस्प्लेसमेंट की रेंज क्या थी बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या बच्चों, मिनिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, और प्लस इंफिनिटी का मीनिंग क्या बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब देखेंगे बच्चों रेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी किसका रेशियो है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डिवाइडेड बाय टाइम, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है बच्चों आपकी, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो तब भी रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू। अगर प्लस इंफिनिटी को टाइम से डिवाइड करें तब भी क्या आएगा रिजल्ट आपका, प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी किसकी रेंज होती है बच्चों, रेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सिक्स्थ पॉइंट ऐड कर सकते हैं बच्चों, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट का मतलब क्या है बच्चों, स्पीड, स्पीड हमेशा क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव। तो सिक्स पॉइंट इसमें ऐड करेंगे वेलोसिटी, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकती है, और बीच में जीरो भी हो सकता है ना। तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकती है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। अगर नेगेटिव क्वांटिटी को टाइम तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्वांटिटी को अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। अगर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, एग्जाम्पल दिया था कल, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पर्सन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसको डायरेक्शन को नोटेशन रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ये ओरिजिन है आपका, मान लेते हैं ये कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों, नॉर्थ, ये इस साइड, कौन सी साइड बताई थी बच्चों आपको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर कोई पर्सन
5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, मान लेते हैं ये 5 मीटर ईस्ट में, 5 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर में जाता है तो आपका क्या है ये डिस्टेंस है, अगर मीटर पर सेकंड है और साथ में डायरेक्शन है तो ये किसके बारे में बात करने लग रहा है बच्चों, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी क्या है बच्चों, 5 मीटर। अगर हम राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं बच्चों, ये ओरिजिन है 0 0 कोऑर्डिनेट। अगर लेफ्ट साइड जाता हूं तो बच्चों मैं नेगेटिव लूंगा, तो इस साइड जाऊंगा तो 5 मीटर वेलोसिटी पॉजिटिव। एग्जांपल क्या बच्चों, क्या एग्जांपल दे सकता हूं वेलोसिटी पॉजिटिव का, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। अगर कोई पर्सन ओरिजिन से चले किस डायरेक्शन में जाए बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये एग्जांपल किसका बच्चों, पॉजिटिव वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या हो सकती है बच्चों आपकी, जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी, जीरो। जीरो कब होगी बच्चों, ये अगर ये यहां से चले इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड जाने के बाद ये वापस उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट, जहां से चला था पार्टिकल उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच चुका है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों, जीरो। तो टाइम तो बढ़ने लग रहा है लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, जीरो। जीरो डिवाइड बाय टाइम तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, जीरो। 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, तो वहां से वापस उसी पॉइंट पे पहुंच चुका है बच्चों ये, क्योंकि अब ये इधर आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, किसकी तरफ पॉइंट करेगी, वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ, तो यहां पे 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट। ये किसका एग्जांपल था बच्चों, जीरो वेलोसिटी का। तो इसमें थर्ड पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बच्चों, अब ये पर्सन था मान लेते हैं कहां से चला बच्चों, ओरिजिन से, और वो किस डायरेक्शन में चले बच्चों, ये इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ, ये डायरेक्शन है बच्चों साउथ। अब ये मान लेते हैं ये दोबारा किस डायरेक्शन में चले जाए बच्चों, ये वेस्ट में, कितने मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बच्चों, इसका ओरिजिन, और ये क्या बच्चों, फाइनल पॉइंट जहां पे पहुंच चुका है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट किसका एग्जांपल है बच्चों, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब ओरिजिन से इस साइड जाता हूं तो इस साइड क्या बच्चों, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड जाता हूं तो नेगेटिव लेते हैं ओरिजिन से, अगर राइट साइड जाता हूं तो बच्चों पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं ये भी बोल सकता था बच्चों -10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो माइनस लगाने से बच्चों किसके अकॉर्डिंग ये साइन रिप्रेजेंट करने लग रहा है बच्चों, डायरेक्शन ईस्ट के अपोजिट आपको किस डायरेक्शन में चलना बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से आपने उसकी डायरेक्शन क्या करनी है बच्चों, रिवर्स करनी, चेंज करनी है, दोनों क्या बच्चों सेम बात है। अगर मैं 10 मीटर यहां पे पॉजिटिव बोल रहा हूं तो यहां पे वेस्ट, अगर यहां पे मैंने इसी स्टेटमेंट को ईस्ट के अकॉर्डिंग बताना है तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों, आपने नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में,
तो आप इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करो, फर्स्ट लेक्चर को एंड सेकंड लेक्चर को।